प्रयागराज विकास प्राधिकरण की यह कॉलोनी है देवप्रयाग संगम वाटिका, और यहाँ के सबसे पुराने जो निवासी थे उनका ये कहना है कि क्या दर्द है कि पानी भरा होता है, गड्ढा कहाँ है, पत्थर कहाँ है, ठोकर कहाँ लगेगी कोई अंदाजा नहीं होता, जैसे ही चलते हैं गिरते हैं। और बताते बताते उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डाट भी टूट गया और पता नहीं चला। तो ये बड़ी पीड़ाएं हैं और उनका कहना है कि लगातार रोड करते आए, उम्र के ढलान पे हैं, लेकिन उनकी समस्या रोड की पीडीए से लेके नगर निगम तक वो दौड़ते रहे, समस्या कहते रहे, एक दो बार नहीं सैकड़ों बार गए वहां पर, लेकिन उनको ये बताया गया कि आप पीडीए जाइए, पीडीए ने कहा नगर निगम जाइए, और रोड जो की थी बद से बदतर होती गई। आज चलने की दिक्कत है तो महिलाएं भी साथ में इनके खड़ी हैं, सैकड़ों की संख्या में सारे कॉलोनी वासी बाहर हैं और चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, क्यों कहते हैं कि यही एक बड़ा ताकत है कि उनकी बात उच्च अधिकारियों तक जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाएगी, सरकार तक जाएगी और शायद उनकी सड़क बन जाए। हम सभी कॉलोनी वासी प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इस कॉलोनी में विगत 16 से 20 सालों से रह रहे हैं। जब तक ये पीडीए के अधीन था तब तक हम लोग पीडीए का चक्कर मारते रहे लगातार, कई बार सपरिवार गए पूरे जुलूस के साथ में, और उसके बाद बारी बारी से जितने पदाधिकारी हुए दौड़ते रहे, लेकिन उसके बाद फिर नगर निगम में आया तो ये हुआ कि अब आपका नगर निगम देखेगा हम लोग नहीं देखेंगे, और जब से नगर निगम में आया है तब से लगातार दौड़ा चल रहा है कंटिन्यू, फिलहाल कहीं सुनवाई नहीं हुई और हम लोग तन मन से पूरे ताकत से सबको वोटिंग किए, लेकिन 2024 में हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने भी वोटर हैं 18 से लेकर के 9000 तक, वो हम लोग किसी को एक भी वोट नहीं देंगे, जो आएगा उनको गेट के अंदर भी नहीं घुसने देंगे, हमारी जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। कई बार यहाँ ऐसा हुआ कि बारिश होने पर तमाम लोग गिर गए, दांत टूट के पेट में चला गया, आज तक नहीं निकला, उसमें हमारा भी है, हमारा देखे दांत टूट के पेट में चला गया नहीं निकला, तो ऐसी नौबत है, घुटने टूट गए, पैर टूट गए, इस नौबत से उबारने के लिए प्रशासन हमारा संज्ञान मिले और हम लोगों को उस लायक बनाए कि इतना रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है कम से कम उसका सदुपयोग हो। धन्यवाद भैया। बारिश के मौसम में तो ये होता है ना कि गाड़ियाँ निकलने की वजह से गड्ढे हो जाते हैं और उन्हीं गड्ढों में पानी भरता है। सोचिए बच्चे पूरे कैंपस से बस यहाँ खड़ी होती है, पूरे कैंपस से चल के बच्चे किस तरह से उस पानी से बच के यहाँ तक आते हैं, उसी में उनका शूज भीगता है, सॉक्स भीगता है, यूनिफॉर्म भीगता है। इससे पहले भी चुनाव हुआ, पार्षदी का भी चुनाव हुआ, विधायकी का भी चुनाव हुआ, तो उसमें यहाँ आपने अपनी बताया ना कि हर नेता हर मंत्री आए, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये चुनाव बीत जाए, आचार संहिता लागू हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब जैसे होता है ना कि नेताओं की बातें सिर्फ नेताओं की ही रहती है, वही ये हुआ कि वो सिर्फ बोल के और एक बार ही वो जीते, फिर वो पलट के आए कभी नहीं आए। इस बारी तो वो बोल के गए थे कि हम जीतेंगे तो हम पक्का आएंगे और आपकी रोड बनवाएंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने खुद ये शब्द कहे थे कि वाकई में आपके कॉलोनी की रोड बहुत खराब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई भी। अब जो तरीका आपने अपनाया है, क्या इससे लगता है कि सुनवाई? कोई और चारा नहीं है, सारी कोशिशें करके देख ली गई, किसी भी तरीके का कोई हल निकला नहीं। अब हो सकता है क्या निर्णय ले लिया फिर आप? भैया निर्णय यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी इनका कहना है रोड नहीं, सेम पीड़ा है आपकी भी। यहाँ के सभासद मेयर विधायक, यहाँ के सभासद मेयर विधायक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब एक ही सरकार के हैं, तो सर वो जो मोदी जी बोलते हैं ना गारंटी, तो वो गारंटी चाहिए मुझे। गारंटी मिलेगी आपको? सबके पास एक ही नारा है, पूरा तो मान जाए, पूरा भी तो मान सकते हैं, क्या आप वोट नहीं देंगी तो मताधिकार हमारा अधिकार, ये हमारा अधिकार, मताधिकार हमारा है, हम दे ना दे ये हम पे निर्णय है ना। फिलहाल आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है तो ये आपका मताधिकार का उपयोग है, लेकिन ये पीड़ा होगी, वो कौन सी पीड़ा है जिसके लिए इतना बड़ा निर्णय? सबसे खराब है, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले आए जो कि उप मुख्यमंत्री भी हो गए तो भी रोड नहीं बनी, फिर सिद्धार्थनाथ जी आए, केसरी देवी आई, बहुत से लोग आए और आए और आकर के चले गए और कहने लगे कि नहीं नहीं रोड बनेगी, रोड बनेगी, रोड बनेगी, लेकिन रोड देखे क्या स्थिति है, आप लोग दिखाइए कि रोड बहुत खराब है और कभी आते ही नहीं तो रोड जानेंगे कैसे वो। फिलहाल ये विरोध नहीं एक पीड़ा है, पीड़ा ही कह सकते हैं आप। बिल्कुल पीड़ा है और हमें वोट की ताकत पे पूरा विश्वास है। सर पीड़ा सबसे ज्यादा बढ़ गई जब तुमने परिवार घोषित कर दिया हम लोग को, और पीड़ा बढ़ गई। अच्छा मोदी जी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो इस परिवार की पीड़ा में आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे उनसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे रोडों को बस
परिवार की परिवार की मुखिया सही ना परिवार की बात कही जाएगी। सीनियर सीनियर सिटीजन भी हैं, आप कॉलोनी में रहते हैं, जो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है वी आर टैक्स पेयर, एडवांस टैक्स पे करते हैं, तो हमारी जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा कर दें। किसा कहता हूँ, अगर वो नहीं करते बेवकूफ बनाएंगे तो हम अपना अधिकार है उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले 100% वोटिंग यहाँ पे जितने लोग वोटिंग आए 100% वोटिंग, हम लोग जागरूक मतदाता हैं, देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, सब लोग वोटिंग करते रहे, लेकिन अगर वो हमारी पीड़ा नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे। उसी मताधिकार का प्रयोग हमने न करने का फैसला किया, बहुत दर्द भरा निर्णय है लेकिन मजबूरी में लिया। यहाँ पर सैकड़ों परिवार हैं, सब मोदी जी के परिवार हैं, और मोदी जी कहते हैं ना कि पूरा भारत मेरा परिवार है, तो हमारे इस परिवार की पीड़ा भी तो समझे, कौन समझेगा। हम वैध लोग हैं, सारे लोग नियमों का पालन करने वाले हैं, टैक्स पेयर हैं, उनकी पीड़ा अगर सरकार नहीं सुनेगी, जनप्रतिनिधि नहीं सुनेगी। आप अध्यक्ष हैं यहाँ सोसाइटी के, और कुछ आप भी कहना चाह रहे थे। मेरा कहना ये है कि 2008 से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 2007 में 6 में कॉलोनी बन गई थी और तब से लोग काफी रह रहे हैं यहाँ, और सारे यहाँ करीब करीब वृद्ध लोग ही हैं, 70 से ऊपर, मेरी उम्र भी 78 साल है। और सड़क की अवस्था ये है, एक तो ये हमारी सड़क कॉलोनी की सड़क जो है ये गड्ढे में बनी हुई है, सारा सड़क का पानी जो है हमारी कॉलोनी में ही जाता है, और जब बारिश होती है तो हमारी कॉलोनी। कहाँ कहाँ अपनी पीड़ा बताने गए आप? अपनी पीड़ा कहाँ नहीं बताई ये आप पूछ सकते हैं, हाँ। कहाँ बताई ये पूछना तो गलत हो जाएगा, कहाँ नहीं गए ये बताइए। पीडीए गए, एडीए गए, आपके सारे प्रशासन के सारे अधिकारी, नगर निगम, किसी ने कोई हम लोग की पीड़ा सुनी ही नहीं। हम लोग पता नहीं किस स्तर के हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं या नहीं है। मोदी जी का कहना है कि हमारा परिवार है, हम लोग ये उपेक्षित परिवार हैं, हम लोग की परिवार की पीड़ा सुनने वाले मोदी जी भी नहीं है, कोई नहीं सुन रहा। क्या निर्णय ले रहे हैं? निर्णय यही है कि इस दफा बहुत धोखा खा चुके हम लोग, 3 दफा धोखा खा चुके, अब की हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है, प्रण लिया है कि इस दफा हम लोग अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।